संविधान बनाने वाले माइनॉरिटीज और बैकवर्ड्स के अधिकारों को लेकर बहुत सजग थे सन 1916 से ही अल्पसंख्यकों के पॉलिटिकल राइट्स की बात उठने लगी थी जवाब में अंग्रेजों ने उन्हें हक तो नहीं दिए पर 18 मजहबों और जातों के लिए सेपरेट इलेक्टरेट के अधिकार देकर उन्हें एक दूसरे से बांट दिया उन्नीस में जब यही इंतजाम हरिजनों या डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए करने की बात चली तो गांधी जी पूना जेल में ही इस सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक चुनाव के विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए हिंदू संप्रदाय ने हरिजनों को सदियों से अछूत बना के रखा है पर अब जब मौका आया है कि राजनीतिक रूप से दोनों साथ साथ आ सके तो आप क्यों हरिजनों के लिए अलग चुनावी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं गाँधी जी एक दिन वोटिंग बूथ में साथ वोट डाल देने से हिंदू और हरिजन एक नहीं हो जाएंगे पर हरिजन हरिजनों को चुने और सवर्ण सवर्णों को इस कायदे से तो तुम उन्हें हमेशा के लिए अलग रखने का इंतजाम कर रहे हो मेरी तजवीज ये है कि हम हर बार कुछ ऐसी सीटें तय करें जिनमें हरेक को केवल हरिजन कैंडिडेट ही चुनने होंगे फिर वो खुद चाहे किसी भी वर्ग वर्ण के क्यों ना हो और बाकी सीटों पे भी हरिजन को उसी तरह से खड़े रहने का अधिकार होगा जैसे कि किसी भी हिंदुस्तानी को गांधी जी की बात डॉक्टर अंबेडकर ने मानी और दोनों ने प्रसिद्ध पूना समझौते पर दस्तखत किए यूं दलितों के लिए अलग चुनाव व्यवस्था की बात खत्म हुई संविधान सभा के बनते ही एक महीने के अंदर सबसे पहले जो कमेटियां बनी थीं, उनमें डिप्रेस्ड क्लासेस और माइनॉरिटी राइट्स की कमेटी भी थी कमेटी बनते ही हर धर्म जाति और उपजाति की तरफ से सुझाव और प्रस्ताव आने लगे अगर ऑल इंडिया आदि हिंदू डिप्रेस्ड क्लासेस का कॉल था कि उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं तो किसी को लफ्ज हरिजन से आपत्ति थी और किसी को पूना पैक्ट से किसी को सरकारी नौकरी का प्रावधान चाहिए था तो किसी को शिक्षा के लिए खास बजट और भूमिहीनों के लिए ज़मीने श्वेतांबर जैनियों की शिकायत थी कि उनके साधुओं को भिखारी समझकर दबोचा जा रहा है सिखों और मुसलमानों को अपने जबानों और रीति रिवाजों की फिक्र थी अपने एक नोट में केटी शाह ने ऐसी मांगों का विरोध किया धार्मिक रीति रिवाजों रस्मों के मानने निभाने के नियमों में कोई परिवर्तन ना करना ही ठीक होगा हालांकि किसी भी संप्रदाय को सुरक्षा के नाम पर छूट देने से केवल प्रतिक्रियावाद या रिएक्शनिज्म को ही बढ़ावा मिलता है अगले कुछ महीनों में जब कमेटी फिर मिली तो कई महत्वपूर्ण बातें समाज के उन वर्गों को लेकर हुईं जिनकी हिफाजत और बढ़ावा हम सबकी जिम्मेदारी है एज़ far as properties are concerned we ought to provide for restrictions in public interest for the protection of minority and backward groups absolutely we must make it definite that the lands of the adivasis are protected and i want it to be definitely most certainly mentioned in the constitution very well In pursuance of of what Shri Singh has just said, we might add, after public interest, including the protection of minority groups and tribes, why not? उस दिन एक हक तो हमने हर आदिवासी को दे ही दिया कि उनकी भूमि ना कोई खरीद सकता है और ना वो उसे किसी गैर आदिवासी को बेच सकते हैं एक और वर्ग है जिसे अलग दमित शोषित श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है मेरे हिसाब से औरतें इस समाज की सबसे बड़ी माइनॉरिटी इकाई हैं। न सिर्फ रस्म रिवाज हमेशा से हम औरतों के साथ बेरहमी का सलूक करते आए हैं बल्कि कानून भी हमेशा से औरतों की मुखालफत में लामबंद रहा है और आज भी है हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि औरतों को भी कानून के समक्ष समाज में और शिक्षा के मामले में बराबरी के हक मिले टेंडेंसी ऑफ द मेजोरिटी

एक महीने बाद जब माइनॉरिटीज कमेटी फिर मिली तब भी धर्म और रीति रिवाजों को लेकर बहसें जारी रहीं। अपने मन का धर्म मानने और उस पर चलने की आजादी और अपनी अपनी पूजा प्रार्थना करने की आजादी के बाद किसी व्यक्ति या किसी समुदाय को और क्या चाहिए इस सब के ऊपर से धार्मिक अधिकारों को जस्टिसबल राइट बनाना मेरा मानना है बहुत बड़ी हिमाकत होगी और इससे समाज के आगे बढ़ने और मजहबी झगड़ों को खत्म करने के काम में भी अड़ूंगा ही लगेगा नेक्स्ट ऑन दचबिलिटी इन एनी फॉर्म शैल बी एबॉलिश क्या हम यहां केवल हिंदुओं में अस्पृश्यता हटाने के लिए बैठे हैं या ईसाइयों मुसलमानों और सिखों में भी यानी कि सब में छूत अछूत मिटाने को जमा है एज फार एज आई अंडरस्टैंड उट अनबिलिटीज ऑफ ऑल का शुड बी डीम्ड ए क्रिमिनल ऑफेंस यू पांच हजार साल से चली आ रही छूत अछूत की घृणित प्रथा को हमारे संविधान ने हमेशा के लिए निकाल के फेंक दिया सत्ताईस अगस्त को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर अपनी रिपोर्ट पेश की अब तक कमिटियों में तय की गई बातों को आज पूरी सभा के इम्तिहान से गुजरना था ऑन बिहाफ ऑफ द एडवाइजरी कमिटी आई बेग लिव टू प्रेस दिस रिपोर्ट ऑन माइनॉरिटी राइट बिफोर दिस हाउस जहां तक लेजिस्लेटर्स में नुमाइंदगी का प्रश्न है यानी ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहे या सेपरेट इलेक्टोरेट सब इस राय पे एकमत है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को खारिज करके आइंदा सारे के सारे निर्वाचन क्षेत्र सांझे ही रहेंगे यह फैसला एक बहुत बड़ा और सुखदायक कदम है आगे हमने ये भी फैसला किया है कि सरकारी नौकरियों में कुछ विशेष कम्युनिटीज के लिए आरक्षण जरूरी है विशेष करके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए कई लिहाज से अलग प्रावधान करने होंगे सरदार पटेल की रिपोर्ट तो पास हो गई पर जब उसके अपेंडिक्स का नंबर आया तो कई अमेंडमेंट्स रखे गए सरदार बहादुर बी पोकर साहब उनकी तज़वीज़ थी कि सन 1936 में मुसलमानों को मिले अलग चुनावी अधिकार बरकरार रहने चाहिए। वी आर गोइंग टू फार देम इन एवरी पॉसिबल वे अंडर रिप्रेजेंट अ मुस्लिम एंड मुस्लिम कैन रिप्रेजेंट हिंदू I will represent you much more than you do because I know that I'm not a Muslim, and as such, I'll always have a special sense of duty and so look after your interests well. So, why not take advantage of that? And this is possible only if we have joint electorates. उस दिन ये तय हो गया कि भारत में अब किसी भी संप्रदाय या धर्म का इंसान किसी की भी नुमाइंदगी कर सकता है और हम किसी भी मजहब के मानने वाले को अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं ये एक क्रांतिकारी कदम था पर कई सदस्य इससे भी आगे बढ़कर कमजोर पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए अलग किसी भी प्रावधान के बिल्कुल खिलाफ थे बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्लासेस के नाम पर समाज को हमेशा हमेशा के लिए बांट देना एक ऐसी हिमाकत होगी जिसकी कीमत पूरे समाज और पूरे देश को अनंत काल तक चुकानी पड़ेगी आफ्टर हैविंग डिवाइडेड द कंट्री ऑन बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी विथ ऑल इट्स इंप्लीकेशन आफ्टर हैविंग प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट सम अ फ्यूचर जस्टिस आफ्टर हैविंग प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस After after having having provided adult suffrage in the constitution, after having done all this, does anyone feel called upon to provide for any reservation? आपने तो देखा ही है सभा में कितने लोग सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं अब अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों को आरक्षण दिया गया तो आप तो जानते ही हैं फिर सिख ईसाई पारसी मुसलमान कोई पीछे नहीं रह जाएगा मगर हाँ, सिख ईसाई पारसी मुसलमान या किसी और का मुकाबला अनुसूचित जनजातियों के साथ नहीं हो सकता ये सारी जातियां पैसे वाली भी हैं और सोशली सिक्योर्ड भी पर कई दूसरों ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दायरे को बढ़ाने की बात सामने रखी और समाज के उस हिस्से की बात भी की जिसे हम आज अन्य पिछड़ी जातियों या ओबीसी के नाम से जानते हैं केवल अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों को पिछड़ों की श्रेणी में रखना कहां तक उचित है उनसे भी अधिक करोड़ों पिछड़े लोग हैं और इन सबके लिए ना ही कोई प्रावधान है ना व्यवस्था कई लोगों को डर था कि पिछड़ी जातियों के दायरे को बढ़ाते जाने से कहीं उन लोगों के अधिकार कम न हो जाएं जिन्हें संवैधानिक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी इफ दिस है शेड्यूल कास्ट विल नेवर गेट अ चांस एज द वर्ड बैकवर्ड वुड बी इंटरप्रिटेड इन सच अ वे दैट द पीपल ऑफ अदर कास्ट विल ऑल्सो क्लेम टू बी बैकवर्ड एंड गेट द ऑन द रिजर्व पोस्ट बिफोर रिज्यूमिंग माई सीट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी दैट द मशीनरी विच विल ऑपरेट दिस क्लॉज शुड बी सो प्योर Be टेढ़ सवाल सबके सामने था और शायद आज भी है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना जहां संविधान की जिम्मेदारी थी वही पर्सनल लॉस को सम्मान देना भी आई वु सेनी पार्टी Political or communal has no right to interfere in the personal law of any group. More particularly, I say this regarding Muslims. There are three fundamentals in the personal law namely, religion, language, and culture which have not been ordained by human agency. My submission is that it is totally impractical. For in an advanced society, even the members who belong to a particular community may desire their personal law to be changed. But if we make provision here that the personal law shall not be interfered with, there will not be any right to the members of that community itself to modify that law. This is only an enabling provision.

और उनके आगे बढ़ने के रास्ते खोले पर अब तक हिंदुस्तान का सबसे सताया असुरक्षित और अल्पसंख्यक वर्ग यानी औरतों को अपने लिए बराबरी का हक नहीं मिल पाया है